मैं बाहर पे कड़ी बना रहा हूँ। लोग फर्स्ट ईयर पे 31st पे बनाते हैं और मैं तो डेली आउटडोर कुकिंग करता हूँ। ये देखो मेरी बढ़िया सी कड़ी बन रही है, क्या मस्त तड़का लगाया है मैंने आज तो। मैंने इसमें बहुत दिनों बाद हम कड़ी खा रहे हैं और इसमें देखो चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, रेड चिली फ्लेक्स, तो स्वाद आ जाएगा कड़ी में। तो पहले कड़ी बनाते हैं, दिन का खाने की तैयारी हो रही है और इसके बाद मिलते हैं। अभी मैं लगा हुआ था काम करने पे, दो हत्थे बनाए हैं मैंने कुल्हाड़ी के देखो, और अभी ये सूख गए हैं इसके देखो, काफ़ी टहनियाँ सूख गई है और ये पेड़ इसकी टहनियाँ काट देते हैं वरना ये सर्वाइव नहीं करेगा, तो इसको काटते हैं अभी। आजकल मेरी किस्मत भी थोड़ा अच्छी नहीं चल रही है, आज फिर मेरा हाथ कटा है, देखो पूरा हाथ मैंने काट दिया, मतलब मैं काम कर ही रहा था ऐसे में हाथ कट गया मेरा, बहुत दर्द हो रहा है। मतलब मैंने सोचा था डेली ब्लॉगिंग करता हूँ लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। अभी देखो मेरा आज के दिन का काम ये था, क्योंकि यहाँ बहुत झाड़ हो गई थी तो एक इसकी कटिंग की, कागजी पे भी देखो मैंने कलम वगैरह लगाई थी तो इसकी भी की, जो एक कटिंग नीचे तक हो गया था इसकी भी थोड़ा कटिंग की, इस इनकी भी थोड़ा कटिंग की, क्योंकि ये नीचे से हो जा रहे थे तो मैंने सोचा कटिंग करना भी ज़रूरी है। कागजी लगी है और अभी बंदर आ रहे हैं, उन्होंने खोपड़ी ख़राब करी हुई है मेरी, उठाया नहीं जा रहा पत्थर। मतलब मैं उसके बाद मैंने कुछ और काम भी किए, जैसे कुल्हाड़ी पे पीछे हत्था लगाया तो क्या हो गया कि जैसे मैं हाथ को पटक रहा हूँ वहाँ पे से खून आ रहा है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो पूरा हाथ कटा हुआ है, मतलब मेरा यहाँ से पूरा मतलब अंदर तक कट गया, इसमें तो उतना दिख नहीं रहा है, और जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो काफ़ी दर्द हो रहा है। ये देखो ये पेड़, यहाँ पे पेड़ सूख गया हमारा, तो इससे बहुत माल्टे बर्बाद हो रहे हैं। एक डिश बना रहा हूँ मैं, ये देखो कद्दू का रेठा, ये देखो कद्दू है और इसको काटेंगे और पकाने के लिए रखते हैं इसको फिलहाल। मेरे हाथ पे चोट भी लगी है लेकिन क्या करें, अभी देखो इसको काटते हैं। रेठा मेरे हाथ में एक तो जान भी नहीं है, रेठा काट के तैयार है, अब ये डालेंगे प्रेशर में चूल्हे में, आह स्वाद आ जाता है इसका तो। ये देखो यो भाई, यो थारा भाई बनाएगा आज रेठा। यहाँ पे देखो मिर्ची लगी है, रेठा का स्वाद तो तभी आता है जब मिर्च हो जबरदस्त, कुछ लोग मिर्च नहीं खाते हैं, हम तो खाते हैं भाई। ये देखो मिर्ची निकालते हैं, यहाँ लगी हुई है काफ़ी लगी है, कल तो मैंने यहाँ कटाई छटाई भी की है, सारे पेड़ों को छोटा बना दिया है। मतलब दोस्तों ये पक गए हैं, ये देखो इस साइड का पीला कद्दू है, मजा आ जाएगा इसको खाने में। यहाँ पे छोंक मारने के लिए तेल गरम हो रहा है, छोंक मारूंगा मैं, धनिया के दाने हैं और कुछ इसमें मैंने जीरा डाला हुआ है, बहुत टेस्टी, अब देखो स्वाद आ जाएगा। बाहर ना आ जाए इस वजह से मुझे आराम से डालना पड़ रहा है।
है खुशबू आ गई, झोंक मारते हैं हम। और अब ये यहाँ पे बन के भी तैयार हो गया है खाने के लिए, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आहा, स्वाद आ जाएगा खाने पे। था दोस्तों, मैं खा के यहाँ बाहर पे सुस्ता रहा हूँ धूप में, खाने में स्वाद आ गया है, मज़ा आ गया। मिर्ची काफ़ी तेज हो रही थी, तो उसी के साथ आई थिंक आज की वीडियो को भी हम यहीं पे तक रखते हैं, इतना ही रखते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बारी मुझे देख रहे हो या फिर मेरी वीडियोज़ को देखते रहते हो, तो यहाँ नीचे पे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको क्लिक कर देना है और उसके बगल पे बेल आइकन ऑन कर देना है। इससे जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा आपको पहले दिख जाएंगी नोटिफिकेशन में। तो चलो, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।